दोस्तों, आज अपन बात कर लेते हैं मेंडलवाद की। तो मेंडलवाद में हम पढ़ रहे हैं डायहाइब्रिड क्रूस, यानी डायहाइब्रिड क्रूस क्या होता है, द्वि संकर संकरण क्या होता है या द्वि संकर क्रूस क्या होता है, उसी के बारे में आज अपन डिटेल से पढ़ने वाले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डायहाइब्रिड क्रूस की। तो यहाँ पर मेंडल ने ये देखा कि अगर दो या दो से अधिक जोड़ी लक्षणों को हमें अगर ज्ञात करना है तो उसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर यानी किसी भी पादप के अंदर या फिर किसी भी जंतु के अंदर दो से ज्यादा अगर लक्षण पाए जाते हैं तो फिर उन लक्षणों को कैसे अगली पीढ़ी में निर्धारित किया जा सकता है, देखा जा सकता है। यानी मोनोहाइब्रिड क्रूस के आधार पर तो हमने देखा कि पादपों में एक जोड़ी विप्रियासी लक्षण पाए जाते हैं जिनके आधार पर अगली पीढ़ी में उसको डोमिनेंट फॉर्म में दे देते हैं। लेकिन डायहाइब्रिड क्रूस से हमें पता चलेगा कि भाई ऐसे दो लक्षण अगर पादप में एक साथ हो तो अगली पीढ़ी में किस तरह से शो होते हैं। और यहाँ से बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए कंपटीशन एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ें और साथ साथ सीखते जाएं कि किस तरह से डायहाइब्रिड क्रूस कराया जाता है। सबसे पहले बात करें कि मेंडलवाद था, तो मेंडल ने यहाँ पर क्या किया कि जो उद्दान मटर थी, फाइसम सेटाइवम था, उस उद्दान मटर के दो करेक्टर्स को उन्होंने शो किया। यानी यहाँ पर क्या किया उन्होंने कि यहाँ पर एक तो गोल पीले और एक झुर्रीदार झुर्रीदार हरे, यानी गोल पीले और झुर्रीदार हरे वाले दो अलग अलग उद्दान मटर को उन्होंने सिलेक्ट किया। गोल पीले वालों को उन्होंने क्या कहा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, और झुर्रीदार हरे को उन्होंने कहा कि स्मॉल आर, झुर्रीदार को स्मॉल आर और हरे को स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। यानी इन दो करेक्टर से इन्होंने इसको शो किया। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जो गोल है, गोल यानी कैपिटल आर है, ये क्या है, प्रभावी है। और यहां पर पीले जो है, पीले रंग के जो पौधे हैं वो क्या है भाई, जो पीला रंग है यहां पर, ये भी क्या है, प्रभावी है। तो आप समझ लेना कि प्रभावी कौन कौन है और अप्रभावी कौन कौन है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, गोल भी क्या है, प्रभावी है, और पीले रंग भी क्या है, यहां पर प्रभावी है। उसके बाद में इधर आ जाओ, यहां पर स्मॉल आर, स्मॉल आर इसका मतलब जो झुर्रीदार है वो क्या है, अप्रभावी है, अप्रभावी। उसके बाद में स्मॉल वाई भी क्या है, यहां पर जो हरा रंग है वो भी क्या है, अप्रभावी है। यानी ये लक्षण भी क्या है, अप्रभावी, ठीक है भाई। तो दो करेक्टर आपके पास है, एक तो प्रभावी का जोड़ा है और दूसरा आपके पास अप्रभावी का जोड़ा है, ठीक है। इन्हीं लक्षणों के आधार पर अपन सेकंड पीढ़ी को देखेंगे, यानी डायहाइब्रिड क्रूस को करवाएंगे। तो आप ये थोड़ा सा याद रखें कि भाई प्रभावी कौन से हैं और अप्रभावी कौन से हैं, क्योंकि ये आगे आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि गोल रंग जो है वो प्रभावी है, पीला रंग भी है प्रभावी, और जो झुर्रीदार है वह अप्रभावी है, और हरा रंग जो है वह अप्रभावी है। तो यहां पर गोल किसको लिया गया, यानी जो उन्होंने जो पाइसम सेटाइवम में जो बीज निकले उन बीजों के आधार पर उन्होंने ये डिसाइड किया, यानी जो उसके बीज थे उन बीजों के आधार पर उन्होंने ये बात, पादप के बीजों के आधार पर ये डायहाइब्रिड क्रूस उन्होंने दिया। यानी जो मटर थी, मटर के जो बीज थे उन बीजों में गोल, अगर पूरे वो गोल रंग के बीज हों तो वह कैसा लक्षण होगा भाई, ये लक्षण होगा प्रभावी। और साथ में अगर ये पीले रंग का हो, कैसा हो, अगर इसका रंग भी पीला हो तो ये करैक्टर भी होगा प्रभावी। लेकिन अगर पाइसम सेटाइवम यानी जो मटर है, अगर उसके बीज क्या हो, थोड़े से ऊपर से झुर्रीदार हो, कैसे हो भाई, झुर्रीदार, यानी उसकी गोलाई सेम टू सेम ना हो, कैसे हो, उबड़ खाबड़ हो, यानी उसके बीज जो है वह कैसे हो, उबड़ खाबड़
ऊपर खापर का मतलब उनके ऊपर झुर्रियां पड़ी हुई हो, जैसे किसी के ऊपर झुर्रियां पड़ी होती ना, अगर इस तरह के अगर उनके बीच हो तो इसको कहेंगे अपन झुर्रीदार। क्या कहेंगे भाई? झुर्रीदार। झुर्रीदार का मतलब उसके ऊपर झुर्रियां पड़ी हुई है, यानी उसकी स्किन इतनी स्मूथ नहीं है, यानी वो उसकी जो आउटर लेयर वो इतनी स्मूथ लेयर नहीं है जैसी इसकी है। उसकी आउटर लेयर क्या है? रफ है, थोड़ा इधर उधर ऊपर खाबड़ है, तो उसी को कहा हमने झुर्रीदार। तो ये लक्षण जो आएगा अगर ये मटर के बीज के अंदर ये लक्षण आता है तो ये कैसा लक्षण होगा भाई? अप्रभावी होगा। इसी के साथ साथ अगर ये मटर क्या है? हरा है, हरे रंग का है, तो इसका मतलब ये भी कौन सा लक्षण होगा? अप्रभावी। तो आप समझ लेना मेरी बात को, प्रभावी कौन से होते हैं और अप्रभावी कौन से होते हैं। तो अगर ये दोनों ही लक्षण इसके अंदर है तो ये प्रभावी लक्षण है, और ये दोनों ही लक्षण अगर इसके अंदर है तो इसका मतलब ये कौन से है? अप्रभावी लक्षण। अब बनाते हैं अपन टेबल, यानी इनका क्रॉस करा देते हैं प्रभावी और अप्रभावी का। तो सबसे पहले इसको मिटा देता हूं मैं, आपको ये याद रहनी हो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये याद हो जाएगा भाई, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो, याद हो जाएगा। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं अगला करेक्टर, अब इनका क्रॉस कराते हैं। अब इसका अगर मैं क्रॉस कराता हूं तो मुझे F1 पीढ़ी में सारे के सारे जो करेक्टर मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? अब इन दोनों का मैंने यहाँ क्रॉस करा दिया तो F1 पीढ़ी जो मेरे पास आएगी उस F1 पीढ़ी में क्या आएगा, कौन सा मेरा बनेगा भाई? कैपिटल R स्मॉल R, कैपिटल Y स्मॉल Y, ये क्रॉस होगा, ठीक है? इसे कहेंगे F1 पीढ़ी। आएगा भाई? अब आप कहोगे सर कैसे आया, तो मैं आपको बता देता हूं कैसे आया। यहां पर भी दो करेक्टर आएंगे, ठीक है? यहां पर क्या है कि इन दोनों के बीच में अगर इन दोनों का मैं जोड़े में से एक ले लूं तो यहां कैपिटल R स्मॉल Y आएगा, अगर इन दोनों में से मैं एक कॉमन ले लूं तो स्मॉल R स्मॉल Y आएगा, यही आएगा भाई। इन दोनों का अगर मैं चेकरबोर्ड बनाऊं, यानी इन दोनों के करेक्टर को अगर मैं मिलाऊं तो ये दोनों कैरेक्टर कैसे शो होंगे? कैपिटल R स्मॉल R के साथ जाएगा, यानी कैपिटल R किसके साथ गया भाई? स्मॉल R के साथ। कैपिटल Y किसके साथ जाएगा? स्मॉल Y के साथ। तो यही तो F1 पीढ़ी है भाई। F1 पीढ़ी आया है समझ में? कहां से आई F1 पीढ़ी? इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों कैरेक्टर क्या है? सेम है, तो दोनों में से एक कॉमन यहां से ले लो, दोनों में से एक कॉमन यहां से ले लो, दोनों का बीच में क्रॉस करा दो, F1 पीढ़ी ये आएगी आपके पास। यानी F1 पीढ़ी अपने पास आ चुकी है। हम इस पीढ़ी के आधार पर अब इनके लक्षणों को देख सकते हैं कि F1 पीढ़ी में कौन से लक्षण हमें प्राप्त हुए। तो इसका मतलब यहां पर कैपिटल R है तो यहां पर प्रभावी कौन है भाई? गोल करेक्टर। तो इसका मतलब ये कैसा होगा? गोल, मेंडल के अनुसार, क्योंकि प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। यहां पर स्मॉल R का लक्षण छिप जाएगा, ओनली कौन लक्षण प्रकट करेगा? कैपिटल R। तो इसका मतलब इस जोड़े में से कौन सा लक्षण बाहर निकल कर आया? वो आया गोल। आया कुछ समझ में? यानी इस जोड़े में से जो लक्षण बाहर निकल कर आया इसका मतलब वो गोल होगा। क्यों? क्योंकि R वाला लक्षण क्या है? प्रभावी है। तो इसका मतलब कैपिटल R स्मॉल R में से कौन ज्यादा प्रभावी है? कैपिटल R। तो इसका मतलब लक्षण कौन सा आएगा? गोल वाला। अब यहां पर जिस जोड़े को देखो, इस जोड़े में कौन सा लक्षण प्रभावी है? इसमें है कैपिटल Y प्रभावी। अगर कैपिटल Y प्रभावी है तो इसका मतलब आंसर कौन सा जाएगा आपका? वही पीला। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि भैया जो F1 पीढ़ी मुझे प्राप्त हुई उस F1 पीढ़ी में जितने भी मुझे बीज प्राप्त हुए वह सारे के सारे गोल पीले थे। कह सकता हूं इस बात को, यानी सारे के सारे F1 पीढ़ी में मुझे क्या मिले? गोल पीले। अब अगर इसका मैं क्या कर रहा हूं? स्व परागण कर रहा हूं। अब मुझे क्या चाहिए भाई? F2 पीढ़ी चाहिए। क्या चाहिए? F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी लाने के मुझे क्या करना पड़ेगा? स्व परागण कराना पड़ेगा। अब स्व परागण क्या होता है भाई? स्व परागण का सीधा सा मतलब ये है कि कोई पुष्प है, जैसे मान के चलो कि ये कोई फ्लावर है, समझना मेरी बात को, ये कोई फ्लावर है, ये इसके कैलक, ठीक है? अभी मैं बता देता हूं आपको सारी चीजें।
ये कोई फ्लावर है, इस फ्लावर में ये वाला पोर्शन है कैलेक्स यानी बाह्य दल, ये वाला पोर्शन है कोरोला जिसे कहते हैं दल, ये पोर्शन है एंड्रोशियम जिसे कहते हैं पुंकेसर, ये पोर्शन है गायनोशियम जिसे कहते हैं ओवरी, ठीक है कंप्लीट। अब यहां से अगर मैं इसका इस एंड्रोशियम में जो उपस्थित जो पोलन ग्रेन है जो पराग कण है, इन्हीं पराग कणों को अगर मैं वृत्तिकाग्र पर छिड़क देता हूं, इस वाले भाग पर स्टिग्मा पर अगर मैं जाकर इनको छिड़क देता हूं, तो इसी को यानी स्वयं का स्वयं ही अगर ये अपने आप को परागण कर लेता है, स्वयं ही अपने आप को फर्टिलाइज करवा लेता है, तो इसी को कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। यानी यहां पर जो पोलन ग्रेन थे वही उड़कर इसकी ठीक है वृत्तिकाग्र पर जाकर चिपक गए, तो इसी को कहेंगे अपन सेल्फ पोलिनेशन। यानी यहां पर क्रॉस कराने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी। क्रॉस किन के मध्य कराया जाता है, यानी अगर नर पादप है तो उसका क्रॉस मादा पादप, यानी नर पादप अलग होगा और मादा पादप अलग होगा, तब जाकर हम वहां पर क्रॉस करा सकते हैं। तो यहां पर तो क्रॉस नहीं हो रहा, यहां पर तो सौ परागण कराएंगे। अब सौ परागण कराते ही अपने सामने एफ वन पीढ़ी आएगी, यानी कहीं ना कहीं मुझे सौ परागण के लिए इस करेक्टर को दो बार क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। अब इसी करेक्टर को मुझे दो बार रिपीट करना पड़ेगा, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा भाई, चेकर बोर्ड। तो इसी करेक्टर के मैं अकॉर्डिंग में क्या करूंगा, इनके क्या करूंगा ऑप्शन बनाऊंगा, यानी इनके छोटे छोटे जोड़े बनाऊंगा। तो भाई इसके कितने जोड़े बन सकते हैं पहले वो देखते हैं। अगर मैं 100 परागण कराऊं तो इसके कितने जोड़े मेरे पास बनेंगे, तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं कि इसके जोड़े मुझे बनाने पड़ेंगे। अब जोड़े बनाने पड़ेंगे तो एक जोड़ा तो मेरे पास बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला, क्योंकि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जा सकता है, तो एक जोड़ा तो ये हो गया। दूसरा जोड़ा देखो इसमें स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ जा सकता है, कहां जा सकता है साहब, हम कह सकते हैं इस बात को कहां जा सकता है, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है। ठीक है वापस इसी कैरेक्टर पर आ जाओ, जोड़ा बनाना सिखा देता हूं भाई। इसको आप छिपा लो, ठीक है इसको छिपा लो और इसका दोनों के साथ क्रॉस करा दो। इसको छिपा लिया मैंने एक कैरेक्टर को, अब इसका क्या करा दो, इसके साथ भी करा दो और इसका इसके साथ भी करा दो। तो कैपिटल आर का क्रॉस वाई के साथ हुआ पहले, तो इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल आर किसके साथ गया, वाई के साथ। अब इसका इसके साथ करा दो, इसका मतलब यहां पर मैं कैरेक्टर चेंज कर सकता हूं, ठीक है वो मैंने अलग मैंने अकॉर्डिंग लिखा था, तो अब मैं आपके जो मेथड बता रहा हूं उसी अकॉर्डिंग। तो कैपिटल आर का मतलब कैपिटल आर और स्मॉल वाई, कंप्लीट। फिर वापस इस कैरेक्टर को छिपा लो, बाकी इन दोनों का वापस क्रॉस करा दो। इसका मतलब इस कैरेक्टर को छिपाऊंगा तो स्मॉल आर किसके साथ जाएगा, कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ जाएगा और स्मॉल यहां पर स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। तो ये चार कैरेक्टर मुझे मिले हैं भाई, कंप्लीट। नहीं समझ में आया हो तो इसी टॉपिक को मैं वापस से थोड़ा सा डिटेल से आपको यहां बता रहा हूं, ठीक है समझना मेरी बात को, वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं इसी टॉपिक को। ठीक है तो इसी टॉपिक को मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं किस तरह से आए। तो यहां पर क्या है कि मैं इनका क्रॉस कराऊंगा, तो इसका मतलब क्या कराऊंगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनके बीच में क्रॉस करा देता हूं। क्रॉस कराने के बाद में इसके साथ तो ये जाएगा आर, क्या जाएगा इसके साथ ये जाएगा, इसके साथ ये जाएगा और इसके साथ ये जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों को मैं जुड़ता हूँ, यानी ये वाला करेक्टर तो स्मॉल आर कैपिटल वाई सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसके बाद में ये वाला इसके साथ जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या पोर्शन आ जाएगा यहाँ पर, नहीं नहीं सॉरी ये गलत बना दिया मैंने, थोड़ा सा चेंज, कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस करा दो कैपिटल वाई स्मॉल वाई से, ठीक है ये जाएगा इसके साथ और यही जाएगा इसके साथ, ये जाएगा इसके साथ और यही जाएगा इसके साथ, अब सही आएगा। इसका मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका मतलब कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसके बाद में स्मॉल आर कैपिटल वाई आर स्मॉल वाई, आ गया भाई सही।
कंप्लीट। तो इस तरह से आप कैरेक्टर आप ले सकते हैं। अब इसका कराते हैं अपन कौन सा क्रॉस, दी डायहेड्रेट क्रॉस। तो डायहेड्रेट क्रॉस में हम बनाएंगे चेकरबोर्ड। तो चेकरबोर्ड के अकॉर्डिंग हम इसी कैरेक्टर्स को वहां लेंगे और उनका क्रॉस कराएंगे और देखेंगे कौन कौन से लक्षण वाले पौधे हमें वहां पर मिल रहे हैं। तो उसका जीनोफाइट्स और फिनोफाइट्स दोनों अनुपात वहां पर देखेंगे, जो ही हमारे काम का होगा। ठीक है, तो ये चार यहां पर इनके बन चुके हैं। ठीक है भाई, इसके आधार पर हम बनाते हैं डायहेड्रेट क्रॉस। तो हम बनाते हैं हम चेकरबोर्ड। तो चेकरबोर्ड बनाने के लिए वही सेम टू सेम मेथड है आपके लिए। ठीक है, अब यहां पर चार भाग है तो इसके चार डिब्बे कर लेते हैं हम, एक दो तीन और एक चार। ठीक है भाई, चार डिब्बे इधर बना लिए आपने, चार डिब्बे ही सेम टू सेम उधर बना दिए जाए। तो चार डिब्बे, एक डिब्बा दो डिब्बे, एक दो तीन और चार, कंप्लीट। चार चार डिब्बे हो चुके हैं हमारे पास। तो यहां पर इस डिब्बे में इधर क्या आएगा, इस डिब्बे में कैरेक्टर कौन सा आएगा, प्रभावी, कैपिटल आर कैपिटल वाई। और इसके बाद में अपन रखेंगे इस वाले कैरेक्टर को स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर वापस इस कैरेक्टर को रखेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, उसके बाद में इस कैरेक्टर को रखेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है भाई, ये ऐसे कैरेक्टर है और ये ऐसा कैरेक्टर है। तो इसी का सेम टू सेम सीक्वेंस इधर लिखते हैं हम, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, सॉरी स्मॉल कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई, उसके बाद में कैपिटल आर स्मॉल वाई, उसके बाद में स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है भाई, बन चुका है अपना चेकरबोर्ड कंप्लीट। अब इसमें हम इनके अकॉर्डिंग यहां पर क्रॉस करा देते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये कैरेक्टर इसके अकॉर्डिंग इधर जाएगा और ये कैरेक्टर इधर जाता है। ठीक है, यानी इसके सामने का डिब्बा ये होता है और इसके सामने का डिब्बा ये होता है। जिधर मैं तीर का निशान लगा रहा हूं वो ध्यान रखना, उसी के अकॉर्डिंग क्रॉस कराना। इसका डिब्बा इधर जाएगा और इसका डिब्बा नीचे की तरफ, इनका नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ मैच करना है, और इधर का नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अपन यहां पर क्रॉस करवा देते हैं। ठीक है, करवा दें, स्टार्ट करें। चलो, ये कैरेक्टर बहुत आपके काम का आने वाला है। तो कैपिटल आर कैपिटल आर, तो यहां पर डबल आर हो रहा है तो दोनों कैसे हैं, कैपिटल आर और कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म में मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूं कि भाई ये कैपिटल आर है तो इसका मतलब ये कैसा होगा, गोल। शॉर्ट फॉर्म में गो लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब गोल होता है। ठीक है, और कैपिटल वाई का कैरेक्टर है इसका मतलब पीला, तो पी लिख रहा हूं। साथ में लिखते भी चले ना ताकि अपने को बाद में पता रहे। इसका मतलब ये कैरेक्टर कौन सा है, गोल पीला। सेकंड वाले डिब्बे में आ जाओ, कैपिटल आर है यहां पर स्मॉल आर है, यहां कैपिटल वाई यहां पर भी कैपिटल वाई है। तो पहले अपन लिखेंगे कैपिटल आर को, फिर लिखेंगे स्मॉल आर को, फिर कैपिटल वाई। इसका मतलब यहां पर ये कि जो कैरेक्टर है कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसका मतलब यहां पर मैंने F1 पीढ़ी में कहा था कि भाई प्रभावी आर को आर कहते हैं, तो आर का कैरेक्टर क्या था, गोल। तो यहां पर भी क्या आएगा, गोल, क्योंकि F1 पीढ़ी में हमने कहा था ना कि भाई आर जो है वो प्रभावी है, स्मॉल आर प्रभावी नहीं है, तो इसका मतलब गोल आएगा। और गोल के साथ भी कैसा आएगा, ये कैपिटल वाई है, तो इसका मतलब ये आएगा पीला है। तो गोल पीला, लेकिन ये अशुद्ध है। कैसा है भाई, अशुद्ध, क्योंकि ये प्रभावी यहां पर नहीं है, आर या स्मॉल आर यहां पर आ रहा है, इसका मतलब ये अशुद्ध गोल पीला है। ठीक है भाई, इसके आगे आप चाहो तो अशुद्ध लगा सकते हो, अ लिख सकते हो, अशुद्ध गोल पीला। ठीक है, चल इसी के आगे नीचे वाले कैरेक्टर में आ जाओ। यहां पर इसी लाइन को देखते हैं हम, यहां पर भी कैपिटल आर, यहां पर भी कैपिटल आर, यानी डबल कैपिटल आर है।
और वहां पर क्या आ रहे हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कंप्लीट। इसका मतलब ये गोल तो है, शुद्ध गोल तो है, लेकिन साथ में क्या है, स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यानी यहां पर ये कैसा होगा, पीला होगा, लेकिन कैसा पीला होगा, अशुद्ध होगा। कैसा होगा भाई, अशुद्ध पीला होगा, ठीक है। इसका मतलब ये गोल पीला है लेकिन अशुद्ध पीला है, कंप्लीट गोल अशुद्ध पीला है। इसके बाद में अगला कैरेक्टर आ जाओ, तो यहां जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर उसके बारे में बता दूंगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसके बाद में ये वाला आ जाओ, यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यहां पर कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यहां पर कौन सा कैरेक्टर आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां पर कौन सा कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके बाद में यहां पर कौन सा कैरेक्टर आएगा, तो ऊपर देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां पर कौन सा कैरेक्टर आएगा, कैपिटल आर, ठीक है, तरीका आपको याद होना चाहिए, कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल वाई। इसके बाद में इस वाले डिब्बे में कौन सा आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, यहां पर कौन सा कैरेक्टर आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए भाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, यहां पर कौन सा कैरेक्टर आना चाहिए, इस तरह वाले डिब्बे में चले जाओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां पर भी सेम टू सेम स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस वाले कैरेक्टर में आ जाओ, तो यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर वाई वाई दोनों क्या है, स्मॉल है, तो स्मॉल स्मॉल, ठीक है। यहाँ पर सेम टू सेम क्या आ जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई से आपको सारे के सारे ये जीनोफाइटिक अनुपात यहाँ पर मिल जाएंगी, जो आप इसमें अंदर से निकाल सकते हो, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई वाई, यानी एक कैरेक्टर मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई वाई, दो करेक्टर चार चार तीन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका अनुपात लिखूँ तो मैं क्या लिखूंगा, एफ टू पीढ़ी में मुझे अगर जीनोटाइप अनुपात देखना हो तो क्या लिखूंगा मैं, एक अनुपात दो अनुपात दो अनुपात चार अनुपात एक अनुपात दो अनुपात एक अनुपात दो अनुपात एक। अगर इसको मैं जनरल करेक्टर में अगर नॉर्मल लिखूँ तो आप इसको ऊपर नीचे भी करके लिख सकते हैं, ऐसी कोई गलती आपसे नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये एफ टू पीडी का क्या है, अनुपात है जीनोटाइप। अगर मैं फिनोटाइप अनुपात की बात करूं तो मैं आएगा भाई मेरा 10:5, सॉरी, ठीक है, ये इसका क्या है, जीनोटाइप है। और अगर फिनोटाइप देखूं तो 10:6 मेरा 6 आएगा, जो आप देख सकते हैं, और इसी का आप आधा कर सकते हो तो फिर उसका आधा अनुपात भी आएगा, ठीक है। तो ये दोनों तरह के अनुपात कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं, ज्यादातर इसी अनुपात को पूछा जाता है कंपटीशन एग्जामों में, कि एफ टू पीढ़ी में डायहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप अनुपात क्या है, तो 1:2:4, 1:2:1, तो ये आप याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कैसे निकाला जाता है, डायहाइब्रिड के लिए, ट्राईहाइब्रिड के लिए, टेट्राहाइब्रिड के लिए, वह एक फॉर्मूला आपको मैं बता दूंगा जिससे आपको सारी चीजें इसमें याद हो जाएगी। तो एक बार ये चेकरबोर्ड बनाना आप सीख जाएं तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें, जनरली सारी चीजें याद हो जाएगी इजी वे।